आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि और लग्न के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा। तो ये आपके सामने कुंडली है, इस कुंडली को आप अपनी राशि और लग्न दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके राशि स्थान या लग्न स्थान की। आपके राशि स्थान या लग्न स्थान के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल का जो गोचर रहेगा आपके सिक्स हाउस में रहेगा, मेष राशि में। तो यहाँ पर मंगल 13 नवंबर तक वक्रीय स्थितियों में रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी स्थितियों में रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मंगल के होने से आपको हेल्थ की कुछ समस्या हो सकती है, आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर सकता है। विशेषकर वक्री मंगल के समय आपको काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी मैरिड लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी वक्री मंगल के समय में, और आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोई किसी के साथ विवाद हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा आप मोल ले सकते हैं किसी के साथ। अगर पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो ये शुरुआती 13 दिन तक मंगल आपको इस प्रकार से प्रभावित करेंगे, और मंगल यहाँ पर जैसे ही मार्गी होंगे आप अपनी सभी समस्याओं से, शत्रुओं से, रोग से, अगर किसी को पैसे दे रखें या किसी से ले रखें तो वो भी चुका देंगे, तो इन सब समस्याओं से आप निपट लेंगे। लेकिन मंगल का जो यहाँ पर गोचर है वो आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कई बार परेशान करेगा, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका जो डेली रूटीन है वो आता है, तो आप डेली रूटीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, कई बार आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आपका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आएगा और आपका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, जिसको लेके आपको हेल्थ का खर्चा भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी से वाद विवाद मोल ना लें, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, ये आपका राजस्थान का लॉर्ड है, तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे ही मंगल मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होने के बाद यानी 13 नवंबर के बाद ये अच्छा रिजल्ट देना यहाँ पर शुरू कर देंगे और आप अपनी सभी समस्याओं से निपट लेंगे। उसके बाद देखते हैं आपके सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु आपके पंचमेश भी हैं, तो गुरु का गोचर थर्ड हाउस में है, तो इस समय आप अपनी फैमिली के लिए मेहनत करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। अगर आप किसी लेखन से संबंधित काम से जुड़े हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर एक तरह से आप अपनी मेहनत को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, कुछ सॉलिड डिसीजन आप लेंगे अपनी फैमिली को लेकर, अपने संचित धन को लेकर। आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, हालांकि आप किसी से अगर झगड़ा मोल ना लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको पैसे की जो बचत होगी उसको आप अपनी संतान के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए या किसी और परफॉर्मेंस में आप लगा देंगे, या आप अपनी फैमिली के लिए खर्च कर देंगे। हालांकि आपको पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, सेविंग भी काफ़ी होगी। यहाँ पर गुरु नीच के रहेंगे, गुरु नीच के रहेंगे तो शनि इनका नीच भंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्या आपको यहाँ पर रहेगी। तो कुल मिलाकर आप जो अपनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको कई बार यहाँ नहीं मिलेगा। अब अगर गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी है तो ये रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही आप अपनी स्कूल या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप प्रेम संबंधों के मामले में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय मिला जुला रहेगा, कई बार आपको कुछ दिक्कत होगी एजुकेशन में, कई बार आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। तो यहाँ से जो गुरु का एस्पेक्ट पड़ेगा वो सप्तम स्थान पे पड़ेगा और यहाँ पर राहु हैं, तो ये नीच के गुरु हैं, और नीच के गुरु यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको मैरिड लाइफ में होने वाली, और वैसे भी राहु का गोचर यहाँ पर है तो आप अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाएंगे। उसके बाद गुरु नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी छोटी दूरी के या फिर लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं, साथ में यहाँ पर आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं, कोई छोटी दूरी की यात्रा हो वहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लाभ स्थान को भी गुरु देखेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ धन का जो फ्लो है वो हालांकि रहेगा, क्योंकि शुक्र भी आपका यहाँ पर है, शुक्र लाभ भाव में है, जिसकी वजह से आपको पैसे का फ्लो रहेगा, लेकिन आपको जो बचत आप करेंगे उसको आप कहीं ना कहीं लगा देंगे, और कुछ आप अपने धन को लेके कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हाउस को देखते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि हैं और शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने भाई बहनों के साथ का जो व्यवहार है उसको लेके, अपने पड़ोसियों के साथ का जो व्यवहार है उसको लेके,
बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। और ये शनि अब आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। शनि की दृष्टि पंचम स्थान पर भी है, जिसकी वजह से एजुकेशन में कई बार डिले हो सकता है, बाकी ज़्यादा समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ ही देखिए, शनि यहाँ पर है तो ये एक तरह से आपका जो एफर्ट है उसको लेट करता है, आपकी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा लेट करता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बना देता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। यहाँ पर शनि स्वराशि के हैं तो कुल मिलाकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, हम आगे बढ़ें तो आपका फोर्थ लॉर्ड भी शनि है, और शनि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो काम करेंगे फोर्थ हाउस से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड डिसीजन लेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिसीजन लेंगे जो कड़े डिसीजन होंगे, जिनको आप किसी पर भी अध्यारोपित कर सकते हैं या लगा सकते हैं, थोप सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम करेंगे तो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ डिले हो सकता है, साथ में आप बहुत ज़्यादा कठोर डिसीजन लेंगे तो कुछ लोगों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, इवन फैमिली के साथ भी। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं सप्तम स्थान में। सप्तम भाव के जो गुरु यहाँ पर, सप्तम स्थान के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में है, तो ये जीवन साथी से आपको फ़ायदा दिखाता है, ये आपको बिजनेस से लाभ दिखाता है। तो इस महीने में आपको अपने बिजनेस से, अपने लाइफ पार्टनर से, और अगर आप कोई पब्लिक सर्विस का काम करते हैं तो आपको जनता से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, जनता से काफ़ी फ़ायदा होगा। 11th हाउस आपका ऑडियंस है, तो आप अपने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे, विशेषकर महिला मित्र जो कि आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर शुक्र है वो पंचम स्थान को भी देख रहे हैं, पंचम स्थान को देखने से आपके क्रिएटिव स्किल्स में वृद्धि करेंगे, कोई स्टेज परफॉर्मेंस आपको देनी है या किसी भी प्रकार से आपको अपने आप को परफॉर्म करना है तो वहाँ पर आप अच्छा करेंगे। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप बहुत सारी ऑडियंस के सामने अपनी परफॉर्मेंस को देंगे और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो मनी फ्लो इस महीने में आपके लिए रहेगा, लेकिन कुछ आपको दिक्कतें ज़रूर रहेंगी। इसके साथ ही शुक्र आपका 12वें भाव का स्वामी है, और यहाँ पर जो 11th लॉर्ड है आपका वो 12वें में है, और जो 12th लॉर्ड है वो 11th में है, तो ये राशि परिवर्तन भी यहाँ पर हो रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है। कुल मिलाकर आप अपने पैसे को जितना ज़्यादा सेविंग करके रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो एक तरह से शुक्र है तो ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ भी आपको करवा सकते हैं, इसके साथ ही पार्टनर से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आप अपना पैसा कहीं खर्च कर सकते हैं, या तो फॉरेन लैंड के लिए, अपने सुख के लिए, अपने बेडरूम के सुख के लिए, बेडरूम की सजावट के लिए, कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदने के लिए, और कुछ आप ज़मीन या लैंड ऐसा कुछ खरीद लेंगे या घर को आप सजा लेंगे तो उसके लिए खर्चा हो सकता है। बाकी आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स में जितनी ज़्यादा वृद्धि करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होता जाएगा। आप जितने ज़्यादा अपने नेटवर्क सर्कल के निकट रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। उसके बाद देखते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, जो कि आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, और बुध यहाँ पर जो तुला राशि है इसमें 3 नवंबर तक तो ये वक्री हैं, उसके बाद ये मार्गी हो रहे हैं, और ये 28 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे, तो लगभग पूरा महीना ये यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जो लाभ भाव है, लाभ भाव के लॉर्ड का 12वें भाव में जाना थोड़ा सा धन का खर्चा ज़्यादा दिखाता है, और यहाँ पर सूर्य है तो ये कोई सरकार की ओर से आपको कुछ फाइन वगैरह लगाया गया हो सकता है। इसके साथ ही थोड़ी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बन रही है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर राशि परिवर्तन योग बन रहा है दोनों का, तो थोड़ा सा खर्चे को लेके सावधान रहें, विशेषकर कोई सरकारी जुर्माना भी आपको इस समय में देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति रहेगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य हैं, और सूर्य आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जॉब में कुछ समस्या होगी, या अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है, या आप जॉब भी फॉरेन में कर रहे हैं, पूरा जॉब आपका फॉरेन में है तो उसमें फ़ायदा है, और काफ़ी कुछ आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ आपको जॉब में फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन आप अगर अपनी कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो जॉब का नुकसान हो सकता है या कुछ सरकारी बाध्यताओं की वजह से आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ सकता है यहाँ पर सूर्य 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अच्छी नहीं कह सकते हम। सूर्य का 12वें में जाना कुछ जुर्माना वगैरह या इसी प्रकार से चीज़ों को दिखाता है, और ये 10th लॉर्ड हैं, तो 10th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर ये जॉब का लॉस दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी फॉरेन से रिलेटेड जॉब है तो आपको फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी। अब यहाँ पर हम राहु और केतु के गोचर को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, शायद आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और वो पूरा वीडियो लगभग उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, राहु केतु आपके बिल्कुल फर्स्ट हाउस और सप्तम हाउस में रहेंगे। राहु जब तक यहाँ पर सप्तम हाउस में है, ये आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत देता रहेगा, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम देता रहेगा। अगर राहु 7th में है तो ये आपको कुछ अच्छा भी देगा, यहाँ पर आपको लग्जरी की तरफ रुझान देगा। ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की भी होगी, कुछ लग्जरी चीज़ों की तरफ आपका पार्टनर ज़्यादा दौड़ेगा। इसके साथ ही राहु का यहाँ आना ये आपको कुछ सेल्फ डिपेंड बना सकता है, सेल्फ डिपेंड आप बन सकते हैं। कुछ आपका कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और खुद ही उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। मैरिड लाइफ को लेकर तो दिक्कत होने वाली है, बाकी पार्टनरशिप में भी कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है और बिजनेस हमारा चल नहीं पाता। तो ये अब आप अपने प्रयासों से करेंगे, ये सारा आप खुद के प्रयासों से करेंगे, और जब तक आपका शुक्र लाभ भाव में है तब तक उस बिजनेस से आपको ये लाभ दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर केतु का जो आपके प्रथम भाव में होना, ये थोड़ा सा ये स्थिति को दिखाता है कि आप दूसरों को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो केतु जब तक आपके यहाँ पर हैं तब तक आप कुत्तों को भोजन कराएं, अपने घर में आप झंडा लगा सकते हैं या मंदिर में दबजा दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उपाय आप करेंगे केतु के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान का राहु है तो इनके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन देख लीजिए, शनि की पूजा पाठ आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी सी आपको टेंशन रहेगी, बाकी आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए कुछ बैड डेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जब चंद्रमा 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 1, 26 और 27 नवंबर को, तो आपको हेल्थ की समस्या होगी, मानसिक परेशानी होगी, किसी से लड़ाई झगड़ा होना, किसी को पैसा दे देंगे तो वापस नहीं आएगा, किसी किसी से उधार ले लेंगे तो आप लंबे समय तक उसको चुका नहीं पाएंगे। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी। कई बार आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं या शत्रु कुछ प्रयास कर सकते हैं आपको परेशान करने का। उसके बाद चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो आपको अचानक दुर्घटना वगैरह के योग बनेंगे और मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा तंग आ जाएंगे। जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे 13 और 14 नवंबर को, तब आपको अनिद्रा की समस्या या कुछ अन्य प्रकार की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल तक आपको जाना पड़ सकता है। तो ये आप बैड डेज हैं, इनको आप मार्क कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस कुंडली में तो आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉलिड डिसीजन आप लेने वाले हैं और उन डिसीजंस के बिना आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।